बिग बॉस के घर में इस वीक कॉमेडी नाइट ऑर्गेनाइज हुई है। हर कंटेस्टेंट को दूसरे पर कॉमेडी के तड़के के साथ निशाना साधना था। ऐसे में हर किसी का गुस्सा खुलकर सामने आया। पहले दिन सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई, आरती सिंह, मधुरिमा तुली और विशाल सिंह ने परफॉर्म किया। वहीं दूसरे दिन परफॉर्म किया शहनाज गिल, आसिम रियाज, पारस छाबड़ा, माहिरा शर्मा और शेफाली जरीवाला ने। पहले दिन सबसे ज्यादा वोट सिद्धार्थ शुक्ला को मिले। दूसरे दिन की बात करें तो शहनाज गिल और आसिम रियाज के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिली। दोनों ने ही पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा की मजाक मजाक में खूब क्लास लगाई। एक तरफ जहां आसिम ने अपनी पोएट्री से पारस की क्लास लगाई, तो वहीं शहनाज ने अपने फनी अंदाज से माहिरा और पारस दोनों को लपेटे में ले लिया। खास बात ये रही कि शहनाज के इस फनी मोड को ऑडियंस ने भी खूब सपोर्ट किया। यही वजह है कि दूसरे दिन सबसे ज्यादा पॉइंट शहनाज गिल को मिले। इस तरह ओवरऑल टास्क की विनर शहनाज गिल बनी। शहनाज गिल को 8.2 पॉइंट्स मिले जो कि हाईएस्ट थे। वहीं आसिम रियाज रनर अप रहे, उन्हें 7.8 पॉइंट्स मिले। तीसरे नंबर पर सिद्धार्थ शुक्ला हैं, जिन्हें 7.2 पॉइंट्स मिले। अब शहनाज गिल ने टास्क जीत लिया है तो कुछ खास पावर्स भी मिलेंगी। आपको याद होगा कि टास्क शुरू होने से पहले बिग बॉस ने बताया था कि घर का नया हिस्सा खोला गया है जो आने वाले पड़ाव में अहम रोल प्ले करेगा, और जो कंटेस्टेंट ये टास्क जीतेगा उसे ये स्पेशल पावर मिलेगी। इसी के साथ बिग बॉस ने ये भी कहा था ये खास पावर कैप्टेंसी से भी ज्यादा अहम होगी। कयास लगाई जा रही है कि ये स्पेशल पावर फिनाले वीक से जुड़ी हुई हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो सिद्धार्थ नहीं बल्कि शहनाज डायरेक्ट फिनाले वीक में एंट्री कर सकती हैं। यानी कि शहनाज के लिए आने वाले हफ्ते और भी आसान हो जाएंगे और वो बाकी घर वालों के आगे बढ़ने में भी अहम रोल प्ले करेंगी। हालांकि ये एपिसोड टेलीकास्ट के बाद ही पता चलेगा कि शहनाज को क्या खास पावर मिलने वाली है। वहीं इस वीक घर से बेघर होने वाले कंटेस्टेंट्स की बात करें तो इस वीक पूरा घर नॉमिनेटेड है। सबसे ज्यादा वोट सिद्धार्थ शुक्ला को मिले हैं। इसके बाद आसिम रियाज और शहनाज गिल को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। बॉटम में माहिरा शर्मा और मधुरिमा तुली हैं, यानी कि इस वीक मधुरिमा तुली का जाना लगभग तय है। वहीं अगर डबल इविक्शन होता है तो माहिरा शर्मा पर भी खतरे की तलवार लटक सकती है। हालांकि मेकर्स पारस माहिरा पर अभी कुछ दिन और फोकस करना चाहेंगे तो शायद वो अभी आउट नहीं होंगी। तो ये थी बिग बॉस 13 की लेटेस्ट अपडेट। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।